नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ जिले के अंचलीपुर ग्राम सभा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो धरोहरा ग्राम सभा से संचालित होती है, इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा सभी कार्ड धारकों से गल्ला वितरण में गल्ले की कटौती की जाती है, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों ने अभी आरोप लगाया कि लाल कार्ड धारकों के भी गल्ले में कटौती की जाती है, वही गल्ला वितरण में प्रत्येक कार्ड धारक से 1 से 2 किलो तक कटौती की जा रही है, जो निरंतर काफी दिनों से चली आ रही है। कुल मिलाकर पात्र गृहस्थी की 202 कार्ड धारक व अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 19 है तथा 32 वर्षों से इस कोटे की दुकान का संचालन हो रहा है। अचलीपुर गांव की कार्ड धारक फूला गीता, कुसुम पांडे, वेद प्रकाश पांडे, शाहिद, राजेंद्र मौर्य आदि दर्जनों लोगों का आरोप है कि प्रत्येक माह गल्ला वितरण के समय कोटेदार गल्ले में कटौती करता है। विरोध करने पर कोटेदार द्वारा बताया जाता है कि हमें ऊपर से गल्ला कम मिलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 यूनिट पर 23 किलो, 1 यूनिट पर 4 किलो की दर से गल्ला का वितरण किया जाता है, इसे लेकर ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि काफी दिनों से संचालित हो रहे गल्ले की दुकान पर बराबर राशन में कटौती की जाती है। पूछने पर कोटेदार द्वारा गल्ला कम मिलने की बात कही जाती है। इस संदर्भ में पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि किसी कोटेदार को गल्ला कम वितरण नहीं किया जाता। अगर ग्रामीणों कोई इस तरह की शिकायत है तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं कि स्थानीय ग्रामीण और कोटेदार ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भी आपका? वेद प्रकाश पांडे। कहाँ के निवासी? अचलीपुर। आज आप गल्ला लेने आए हैं? जी। क्या यूनिट है आपकी? 7। कितना मिला गल्ला? 35 किलो। कितना मिलना चाहिए आपको जानकारी है? 35 किलो। 35 किलो। कितना काटे हैं कोटेदार? 2 किलो। चाहिए कितने दिनों से काट रहे हैं, कितनी बार से काट रहे हैं? सब पहले से ही काट रहे हैं, जब से कार्ड बना। मतलब एक कार्ड पे आपका 2 किलो काट रहे हैं? जी। तो क्या आपको जानकारी है कितने लोग काटते हैं? सबका काटते हैं। सबका काटते हैं जी। कितनी आपके लगभग आपको जानकारी है कि कितने लोग होंगे आपके इस कोटे पे आने के लिए? ये 200 कार्ड होगा लगभग। 200? तो आपको जानकारी है 200 लोग पूरा काटते हैं? जी सबका काटते हैं। सबका काटते हैं? कितना काटते हैं? ये 1 किलो 2 किलो। 1 किलो 2 किलो जी। अभी आपने उनसे कहा कि क्यों काटते हैं? बोले कि ये वहाँ से बोरे का वजन नहीं मिलता है, ये है, और कुछ बचता नहीं हमारा, इसलिए काटते हैं। मेरा नाम संग्राम कुमार जायसवाल है। संग्राम जायसवाल जी भैया, आपको अचलीपुर के हम दुकानदार हैं, दौरहरा गांव सभा। अच्छा, किसके नाम से कटाइए? सरस्वती देवी। आप उनके क्या नाम हैं? मैं उनका देवर हूँ। कितने हमारी भाभी शरीफ, कितने वर्षों से यहाँ आप राशन बांट रहे हैं? ये हम 14 साल से यहाँ बांटते हैं, जब भैया एक्सपायर किए हैं। मेरे यहाँ कोटा 32 साल से है। 32 साल से पहले भैया के नाम से था, भैया एक्सपायर किए तो भाभी के नाम। तो क्या है यहाँ के स्थानीय लोगों के से? बहुत बढ़िया है सर, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आरोप लगाया जा रहा है कि 1 किलो आप काट रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, जो जिनका कार्ड नहीं है, जैसे माननीय भाई साहब बीएस पांडे जी हैं, इनका कार्ड नहीं है, ये लोग दुकान लेने के लिए चक्कर पड़े हैं, प्लस एक और है वहाँ से, उनको दुकान चाहिए, इसके वजह से लोग आरोप लगा रहे हैं। और गांव में किसी का तक कभी कोई आरोप नहीं है। 27 तारीख को जांच आई थी, पूरा जांच में पूर्ण रूप से सप्लाई साहब ने करके ले गए। जैसे अभी मैंने कुछ ग्रामीणों का बयान लिया है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतलब कि एक कार्ड पे हमको 1 किलो 2 किलो काटा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? वो उसके पहले सर होता था कि हमको पूरा वजन नहीं मिलता था, ठीक है, इसके पहले करता था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अब तो शासन द्वारा आपके यहाँ डायरेक्ट राशन गिराया जा रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन बोरी का वजन नहीं आ रहा सर। ये आप देखिए, बोरी का वजन नहीं आ रहा, हर महीने 20 किलो 30 किलो छीट निकलती है। किसी भी कोटेदार साहब पूछ सकते हैं या सरकार से पूछ लीजिए कि जब वो एक बार वजन करके आता है 50 कुंटल, 50 कुंटल आने के बाद आपको हमको 15 किलो 10 किलो करके बांटना, तो उसमें घट जाता है। मतलब उसमें 2-4 लोगों का भी कम मिलता है आपको राशन? नहीं, बोरी का वजन नहीं मिलता हमें, बोरी का वजन नहीं मिलता। बोरी का वजन नहीं मिलता, जो 500-400 ग्राम वजन, 600 ग्राम होता सर, एक बोरी का वजन 600 ग्राम होता है, वो वजन नहीं मिलता। उसी की वजह से थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता। आपका? संतोष पांडे नाम मेरा। कहाँ घर है? अचलीपुर। अच्छा, आज आप गल्ला लेने आए हैं? जी हाँ। तो ऐसी शिकायत मिलती है कि हाँ गल्ला कम दिया जाता है? जी हाँ, वो कहते हैं 1 किलो आगे हमको देना पड़ता है सबको। अच्छा, अधिकारियों को? अधिकारियों को। हाँ जी। तो कितने दिन से आपको कम दे रहे हैं? ये साहब जब से नया कार्ड इशू हुआ तब से कम दे रहे हैं। कहते हैं अधिकारी को देना पड़ता है। हाँ।
लगभग कितना काटते हैं? एक मतलब कि 20 किलो में 1 किलो काट लेते हैं। 20 किलो में 1 किलो काटते हैं जी। लगभग पूरे सबका काटते होंगे जी? हाँ। क्या नाम बेटा आपका? अंशिका। कहाँ घर है आपका? असलीपुर। यहाँ क्या करने आई थी? राशन छोड़ने। राशन का किसके यहाँ नाम मालूम है? इसके किसके यहाँ राशन लेने आई थी? संग्राम। संग्राम, क्या हुआ? कितना यूनिट है तुम्हारा? 4 यूनिट। कितना मिला राशन टोटल? 19 किलो। तो हमेशा 19 किलो मिलता है? हाँ, हरदम मिलता है। क्या कहते हैं कोटेदार, 1 किलो कम देते हैं, क्या कहते हैं? हम एक बार पूछे थे तो बोले थे इतना मिलेगा। इतना मिलेगा? हाँ। मतलब हमेशा 1 किलो काट लेते हैं? हरदम 1 किलो। आपका? कुसुम पांडे। कुसुम पांडे, कहाँ घर है? असलीपुर। असलीपुर, आज आप यहाँ राशन लेने आई हैं, कितना यूनिट है आपका? हमारा मतलब 4-5 यूनिट रहल है, लेकिन 1 यूनिट चलत है, 4 कट गया। 4 कट गया। कितना गल्ला देते हैं 1 यूनिट पे आपको? 1 यूनिट 4 किलो। 4 किलो, 5 किलो देना चाहिए उनको। कभी आपने सवाल किया कि आप कम क्यों देते हैं? नहीं, सवाल तो नहीं किया। 1 यूनिट पे कितना काटते हैं? अब 5 किलो चाहिए तो 1 किलो काटे में। 1 किलो काटे में। तो क्या नाम है कोटेदार? कोटेदार का नाम जानती हैं आप? संग्राम।